सो ही गाइज, मैं हूं सुमन जैस और आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं आप अपने फेसबुक अकाउंट को विदाउट ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर के रिकवर कैसे कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम्स बताने वाला हूं कि हमारा अकाउंट ख़राब क्यों होता है, लॉगिन करने में प्रॉब्लम क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी कभी होता क्या है कि हम एक फ़ोन नंबर से या फिर एक ईमेल आईडी से तीन अकाउंट बना देते हैं। गाइस, होता क्या है कि अभी का फेसबुक रूल है कि अगर आप एक फ़ोन नंबर से तीन अकाउंट बनाते हैं तो जो सबसे लास्ट में आपने फेसबुक अकाउंट बनाया होगा सिर्फ उसी में आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी लिंक रहेगा। बाकी जो दो अकाउंट है या फिर पिछले जो भी अकाउंट आपने बनाया था इस नंबर से या फिर सेम ईमेल आईडी से, उन दोनों अकाउंट में से आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी रिमूव हो गया होगा और आपने जो लेटेस्ट अकाउंट बनाया है सिर्फ उसी में आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐड रहेगा। तो इस स्थिति में हमारा ये दोनों अकाउंट तो ख़राब हो गया। अब इन दोनों को कैसे लॉगिन करना है, कैसे रिकवर करना है, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपना फेसबुक लाइट एप्लीकेशन ओपन करना है। फेसबुक लाइट एप्लीकेशन। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा तीनों अकाउंट अभी लॉगिन है मेरे फ़ोन में। तो पहले मैं इन दोनों अकाउंट को रिमूव कर देता हूँ। मान लो ये दोनों अकाउंट मेरा ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो इन दोनों अकाउंट को मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ पहले, ठीक है। एक रिमूव हो गया और ये दूसरा भी रिमूव हो गया। सो गाइस, सबसे पहले मान लो ये मेरा लेटेस्ट अकाउंट है और सिर्फ ये रिमूव नहीं हुआ, फिर से मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो लेटेस्ट अकाउंट है वो अवेलेबल है और वो जो दो अकाउंट था वो मेरा मान लो ख़राब हो चुका है। अब उसे लॉगिन कैसे करना है, अब आपको करना क्या है, जो आपका नया अकाउंट है उसको आपको लॉगिन कर लेना है अपने फेसबुक अकाउंट मतलब फेसबुक में। तो यहाँ पे मेरा जो नया अकाउंट है लॉगिन हो चुका है। अब आपको करना है कि यहाँ पे सर्च बार में जाना है और आपको अपना पुराना अकाउंट सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ सुमन जैस। तो जैसे ही सुमन जैस मैंने सर्च किया तो यहाँ पे मेरा अकाउंट सर्च किया और मेरा अकाउंट यहाँ पे ऊपर में ही आ चुका है। अगर आपका सर्च में नहीं आता है, मान लो अगर आपका सर्च में आ गया है, तो सिंपली आपको करना क्या है, इसका प्रोफाइल लिंक आपको यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसका प्रोफाइल लिंक कॉपी कर लेना है। मान लो अगर ये अकाउंट आपका पुराना सर्च में नहीं आता है तो अब आपको करना क्या है, नज़दीक में जो फ्रेंड है जिसके फ्रेंड लिस्ट में आपका वो अकाउंट है उसको आपको लॉगिन करना होगा। मतलब समझ लो आपको अपना फ्रेंड का फेसबुक अकाउंट ओपन करना है। तो यहाँ पे मान लो ये अंकित अंकुश जैस मेरे फ्रेंड का अकाउंट है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे थ्री डॉट पे जाना है और यहाँ पे आपको प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद इसके फ्रेंड लिस्ट में मान लो आपका वो पुराना अकाउंट फ्रेंड लिस्ट में है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे फ्रेंड लिस्ट में जाना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है आपको अपना पुराना अकाउंट का नेम। तो यहाँ पे मैंने सुमन जैस सर्च कर लिया, उसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा पुराना अकाउंट है और इस फ्रेंड लिस्ट में मेरा ये अकाउंट अवेलेबल है। तो आपको करना क्या है, आपको अपना अकाउंट मतलब आपके प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको अपना प्रोफाइल लिंक कॉपी करना है। गाइज, मान लो यहाँ पे सबसे मेन प्रोफाइल लिंक ही है, आपको किसी भी तरीके से आपको अपना जो अकाउंट खो चुके हैं आप उसका प्रोफाइल लिंक कैसे भी कॉपी करना है, क्योंकि प्रोफाइल लिंक से यहाँ पे आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने अपने फ्रेंड के फ्रेंड लिस्ट में जाके अपना अकाउंट का नेम सर्च करके यहाँ पे फेसबुक का प्रोफाइल लिंक कॉपी कर लिया। अब आपको करना क्या है, आपको अपने फ़ोन में जाना और सभी अकाउंट को लॉग आउट कर देना है, ठीक है। लॉग आउट करने के बाद लॉग इन इनटू अनदर अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फॉरगोट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही फॉरगोट वाले पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे सर्च बाय योर ईमेल और नेम इंस्टेंट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वो लिंक आपने जो कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही कीजिएगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा अकाउंट आ चुका है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना होगा, लेटेस्ट से लेकर आपका जो भी पुराना पासवर्ड है वन बाय वन आपको यहाँ पे सभी पासवर्ड को ट्राई करना होगा। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड
पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। तो गाइस यही था ये छोटा सा ट्रिक, जैसे कि आपको मैंने बताया, अगर आपके फेसबुक अकाउंट में से ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों रिमूव हो जाता है और आपने जो लेटेस्ट अकाउंट का पासवर्ड रखा है वही सेम पासवर्ड आपने पुराना सभी फेसबुक अकाउंट का रखा है और आप जैसे ही मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालते हो तो आपका लेटेस्ट अकाउंट लॉगिन होता है और पुराना अकाउंट लॉगिन नहीं होता है। तो इस ट्रिक की मदद से आप अपने पुराने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।